आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज की कक्षा में हम पार्ट 3 गुरु नानक देव का संदेश पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनकी वेशभूषा, उनका खाने पीने का तरीका, उनका रहने का तरीका, सब कुछ अलग होते हुए भी ये एक दूसरे के सुखों दुखों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। भारत पूरे विश्व को अनेकता में एकता का संदेश देता है। इस पाठ में गुरु नानक देव ने मानव जाति के धर्म का अर्थ बताया और उनके सिद्धांतों पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईसा में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिपता और पिता का नाम कालूचंद बेदी था। यह इनका घर तलवंडी में था। इस स्थान को अब नानकाना साहिब कहते हैं। गुरु नानक देव बचपन से ही धार्मिक विचारों के थे, परंतु वे उनका जो ध्यान था वो पढ़ाई में नहीं लगता था। इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें गायों को चराने के लिए पास के खेत में भेजा। वहाँ पर उनकी गायों ने पूरा खेत चर लिया था क्योंकि वे भूखी थी। परंतु नानक साहब आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे। जब जमींदार तक यह खबर पहुँची, नानक जी की शिकायत पहुँची, तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ। तो नानक जी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि किसी का कोई नुकसान हुआ है। लोगों ने जब खेत में जाकर देखा तो फसलें लहलहा रही थी। गुरु नानक देव जी ने मानव जाति को मानवता का संदेश दिया। उनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, भगवान एक है, यह सत्य है, भगवान एक है। चाहे हम किसी भी जाति के हो या किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई सी भी जाति या धर्म को मानते हैं, परंतु नानक साहब के अनुसार भगवान एक ही है। इसी प्रकार उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, सदा हमें एक ही भगवान की पूजा करना चाहिए। इसमें उनका अर्थ था, चाहे राम हो, रहीम हो या ईसा मसीह हो, कोई भी हो, परंतु भगवान एक ही है और हमें उसमें आस्था रखना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार उनका तीसरा सिद्धांत था, भगवान सभी प्राणियों व जीवों में विद्यमान है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, भगवान सभी प्राणियों में रहता है। इसीलिए हमें किसी को सताना या दुखाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार उनका चौथा सिद्धांत था, भगवान पर विश्वास करने वाले को किसी का भय नहीं होता। यदि हम सच्चे मन से भगवान को पूजते हैं और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी का भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा, जीवन व्यापन के लिए ईमानदारी से हमें परिश्रम करना चाहिए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे भी किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का हमें छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। हमें अपना जीवन व्यापन के लिए ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए और सदैव ज़रूरतमंदों को अपनी ईमानदारी की कमाई का कुछ हिस्सा देना चाहिए, जिससे उनका भी भला हो सके और हमें भी कुछ पुण्य प्राप्त हो सके। गुरु नानक देव के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। उन्होंने पूरे संपूर्ण जाति को समान समझा। उसमें स्त्री और पुरुष का जो पद होता है वह समान बताया। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं समाज और धर्मों में ऐसा होता है कि पुरुष का पद बड़ा होता है और स्त्री का पद छोटा, परंतु उनके अनुसार, गुरु नानक देव के अनुसार, स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर होते हैं। इसी प्रकार उनका 10वां संदेश इस प्रकार था कि जीवित रहने के लिए भोजन तो आवश्यक है, परंतु लोभ के वश या लालच के वश हमें धन को संग्रहित नहीं करना चाहिए। हमें भोजन करना है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम धन को इकट्ठा करें। इसी प्रकार उनका अगला संदेश था, अगला सिद्धांत था कि सदैव प्रसन्न रहना चाहिए
और ईश्वर के समक्ष सदैव क्षमा प्रार्थी रहना चाहिए। इस सिद्धांत का अर्थ था कि हम कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर सभी को समान परिस्थितियों में नहीं रखता है। कभी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, इसीलिए हमें सदैव खुश रहना चाहिए और हमें अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु नानक देव ने 70 वर्षों तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और 70 वर्ष की आयु में उनका शरीर परम तत्व में विलीन हो गया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव धर्म या जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, ये सब समान होते हैं और जीवन के दो पहिए होते हैं, इनमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। गरीबों की और निर्धन लोगों की हमें सदैव सहायता करते रहना चाहिए। वैसे तो भारत धार्मिक दृष्टि से बहुत संपन्न देश है, सभी धर्म में सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी जाती है और मानव धर्म का पालन करके सच्चाई के मार्ग पर चल के हम अपना जीवन सार्थक और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।